सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आर चैप्टर चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है ऑडिटिंग का। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो है, जो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, सब नए लगने वाले। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम लोग कोई सब्जेक्ट लर्न करते हैं तो हमको वो सब्जेक्ट के लैंग्वेज समझने के लिए हमको कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेंगे, जिससे हम लोग ये लैंग्वेज से वाकिफ हो सके और इसको आगे यूज़ भी कर सके। तो अब हम लोग जो है आज हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले, ऑडिट का डेफिनेशन देखेंगे, ऑडिट में एग्जैक्टली क्या होता है वो देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है वो देखेंगे, बहुत ही बेसिक, राइट। और साथ में हम लोग को ये भी फोकस करना है कि हम इसको कैसे याद कर सके। तो सबसे पहले हम आते हैं ये पॉइंट पे कि ये जो ऑडिट वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो ऑडिटिंग ये जो वर्ड है, दिस हैज कम फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। ऑडायर का मीनिंग है टू हियर, सुनना। तो ये एक लैटिन वर्ड है ऑडायर, जहां से ये वर्ड ऑडिट का इन्वेंशन हुआ है। तो पॉइंट ये है कि ये वर्ड ऑडायर, ये हियर, ये क्या कनेक्शन क्या है इसका ऑडिट के साथ। तो इसका, इसके लिए जो आंसर है, इसका आंसर जाता है लाइक सदियों सदियों पहले, जब राजा रजवाड़ों का जमाना हुआ करता था, उस टाइम की बात है। उस टाइम पे बताते हैं कि जब राजा लोगों से टैक्स लेता था, अपने राज्य से टैक्स लेता था, तो ही हैड टू आंसर, कि उनको बताना पड़ता था कि हमने टैक्स का किया क्या है। तो उस टाइम पे, उस जमाने में जब राजा अपनी सभा लेकर बैठता था, तो राजा बैठता था साथ में पूरा राज्य आ जाते थे, सारे लोग आते थे, और एक बंदा होता था जो पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरे अकाउंट्स बोलता था पूरे राज्य के सामने। वो बताता था कि हमने इतना इतना पैसा यहाँ कलेक्ट किया, फिर हमने इतना इतना पैसा वहाँ पे खर्च किया है। तो वो जो है सब पूरा हिसाब वो देता था ऐसे चिल्ला के। राजा सुनता था, पूरा राज्य सुनता था और वो चिल्लाता था। साथ में एक और बंदा होता था जो एक कोने में खड़ा रहता था और वो उसको सुनता था कि क्या बता रहा है क्या नहीं। बीच बीच में उसको सवाल करता था कि तुमने अभी ये बताया, इसके बारे में थोड़ा और मुझे बोलो, या फिर तुमने यहाँ पे खर्चा किया, इसके बारे में और समझाओ। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस करता था। तो ये जो बंदा था जो सुनता था सब कुछ, और फिर उसके बाद एंड में वो बोलता था कि मुझे सब कुछ सुन के लग रहा है कि ठीक ठाक है। तो क्योंकि राज्य को क्या समझने वाला है, कितना भी हो हिसाब का, तो एक हमको वो चाहिए जो इसके बारे में हमको बोल सके कि ठीक ठाक है सब कुछ। तो वो बंदा जो था, उसको वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट हुआ, एंड उसी वर्ड से फिर हम लोग ने उसको आगे बढ़ाया। तो अब ये समझो कि ये ऑडिटिंग का वर्ड टू हियर से आया। नाउ द पॉइंट कम्स कि फिर आज की दुनिया में भी यही चलता है क्या। इमेजिन करो, तुम क्लाइंट के सामने बैठे हो और क्लाइंट को समझा रहे हो कि ये ऐसे ऐसे हुआ, और क्लाइंट सब ऑडिटर क्लाइंट हमको समझा रहा है कि ये सब कुछ हमने किया है, और ऑडिटर बैठ के बोल रहा है ठीक है, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तू बोल और मैं सुनता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। ये क्या प्रैक्टिकल है क्या आज के दुनिया में? ऑब्वियसली नॉट। ऐसे तू बोल मैं सुनूं और फिर उसके बाद मैं बोलूं कि वाओ एवरीथिंग इज फाइन, ये तो होने वाला है नहीं। ये तो बस एक ओरिजिन की बात है, एक हिस्ट्री की बात है, उसके बाद जो वर्ड बन गया अपना ऑडिट, वो ऑडिटिंग चलते गया। लेकिन ऑडिटिंग शुरू तो वहां से हुआ, फिर बाद में जैसे जैसे कंपनीज बढ़े, बिजनेसेस बढ़े, तो ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि वी नीड समवन जो कि हम लोगों को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक है। इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे, एक खुद का अपना फ्री ओपिनियन दे, किसी के डर में दबाव में आकर ना दे। तो उस बेसिस पे ऑडिटिंग बढ़ा। और आज का तो ऐसा सिनेरियो है कि आज हम लोग जो ऑडिटिंग सीखते हैं वो एक ग्लोबल लेवल का ऑडिटिंग है। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम सीखते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो वो बेसिस पे हम लोग ऑडिटिंग को आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो ऐसा ये है कि कैसे ओरिजिन हुआ और फिर कैसे ऑडिटिंग आगे बढ़ा। और अब हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। द वर्ड इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री,
बिल्कुल फ्री, किसी के दबाव में नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं। मैं जो एग्जामिन करती हूँ, मैं अपने मर्जी से, अपने हिसाब से एग्जामिन चेक करके, अपने हिसाब से अपना ओपिनियन सामने रखता हूँ, देन दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। अगर तुम कोई भी चीज के दबाव में या फिर किसी भी तरह के प्रेशर में या किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में आकर कोई बात करते हो तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो भाई इसका तो एग्जाम्पल लगेगा, ऐसे कैसे समझेगा इंडिपेंडेंस। तो मैं तुमको एक नहीं, दो नहीं, तीन चार एग्जाम्पल्स दूंगी, फिर आप पूरी तरह से समझ जाओगे इंडिपेंडेंट। हमको ये इंडिपेंडेंस के ऊपर एक पूरा एक कंसेप्ट सीखना है, पूरा पूरा एक टॉपिक है तुमको इसी चैप्टर में आगे, जो शायद डे नंबर 3 पे आएगा, उस दिन हम लोग पूरा इंडिपेंडेंस को डीप में जाके समझेंगे। लेकिन आज हमको ये बेसिक समझना है। तो इंडिपेंडेंट के लिए मैं तुमको एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए बनते ही अपना मस्त ऑफिस बनाया, उसमें एक बड़ा ओपनिंग पार्टी रखा, एक इनॉग्रेशन ऑफिस का एक पार्टी रखा, सब लोग आए, सब कुछ हुआ, नहीं लाइक एवरीवन इज लाइक कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, और तुमको सब लोग बहुत ये कर रहे। लेकिन एंड ऑफ द डे हमको चाहिए काम भाई, काम तो चाहिए ना, सिर्फ प्रैक्टिस डाल के बैठने से क्या होता है। तो अभी हमको चाहिए काम, हम लोग बैठे हैं लेकिन जल्दी जल्दी काम नहीं मिल रहा है। तो हम अपने पापा के पास जाते, पापा पापा प्लीज मुझे आपका ऑडिट दो। पापा बोलते, अरे मेरा इतने सालों से सीए कर रहा है, मैं तुमको कैसे दू। बोलते, नहीं पापा मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे पहले दो ना तुम। तो पापा बोलते ठीक है ले लो। तो फिर पापा ऑडिट दे देते, ठीक है। अब ऑडिट देने के बाद तुम अपना चेकिंग शुरू करते हो, जैसे तुम चेकिंग शुरू करते हो तो पापा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुमको गलतियां मिलती है, तुमको मिस्टेक्स मिलते हैं, छोटे छोटे टैक्स की चोरी की है ऐसा कुछ दिखता है। तो तुम ऑब्वियसली जाके पापा खोलते, पापा पापा ये क्या किया आपने, आपने पूरा ये टैक्स का ये कर दिया है, देखो आपने यहाँ पे फ्रॉड किया है या फिर आपने यहाँ पे गलत दिखाया है। पापा बोलते, पता है मुझे, मैं सालों से यही कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है, तुम करो चुपचाप जो भी है ऑडिट। तुम बोलते, नहीं ये तो गलत है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो पापा, मैं तो वही करूंगा जो मुझे सिखाया गया है। पापा बोलते, अच्छा इधर आ, इधर आ, जाते हो तुम, एक लगा के देते धाड़ कान के नीचे। तो रोते रोते तुम बोलते हो, पापा पापा मैं सीए हूं। पापा बोलते, तू चुप, मैं सीए का बाप हूं, और तुम सच में चुपचाप बैठ के कोने में जाके बैठ के अपना काम करोगे। तुम क्या बोलोगे पापा के आगे, बात समझ में आई। तो जितना हम लोगों ने सीखा है, जो भी हमको तालीम मिली है, वो सब गया पानी में। रीजन, क्योंकि यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एटलीस्ट विथ योर रिलेटिव, स्पेशली योर क्लोज रिलेटिव। तो ये पॉइंट होता है कि इंडिपेंडेंस के लिए ये नहीं होता, इसलिए हमको इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई तुम उनका ऑडिट ही मत करो जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। रीजन सिंपल है, वो तुमको ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो डी जो है वो एक डोरमेंट पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर है। तो ऑब्वियसली वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं, तो उसको हमेशा लगता है कि यार ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो वो बोलता है चलो हम लोग एक ऑडिट करते। तो ए बोलता है हाँ हाँ ऑडिट करते, बी बोलता है हाँ ऑडिट करते, लेकिन ए बोलता है देखो मेरी वाइफ सी ए, तो मिसेज ए अपना ऑडिट करेंगे। तो तुमको लगता है बाकी पार्टनर्स को चलेगा? ऑब्वियसली नो, वो बोलेंगे नहीं यार तुम्हारी वाइफ है, कहीं ना कहीं शी विल बी बायस्ड। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसका हमारे फर्म से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, जिसको हमको अच्छा बोलने में या जिसको हमारे बारे में बुरा बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हमको चाहिए। तो वो होता है इंडिपेंडेंट। अनदर एग्जाम्पल इफ यू टेक, तो अभी समझो तुम्हारे पास शेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स या टाटा टीसीएस के शेयर्स है तुम्हारे पास। तो अब तुमको मिलता है टीसीएस का ऑडिट, कहीं ना कहीं तुम उसके शेयर होल्डर हो, तुम उसके एक पार्ट ओनर हो। तो बीइंग अ पार्ट ओनर, मैं 100% इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता अपने ओपिनियन में। रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं इसमें बायस हूंगा, मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ, मैं भी इसके ओनरशिप में आता हूँ। तो इसके लिए फिर इसमें भी कंपनी लॉ में बोला है, नहीं भाई इफ यू होल्डिंग सिक्योरिटीज तुम ऑडिटर नहीं बन सकते, वो कंपनी का उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी के भी ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ये हिसाब से हमको इंडिपेंडेंस रखना है। और लास्ट एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूँ तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वही अपना नए सीए बन के तुम ऑफिस में बैठे और तुम रुके हो कि हमको कम से कम कब कोई अच्छा ऑडिट मिले, और वहां से तुमको रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी के यहाँ से कोई बंदा आता है और बोलता है देखो हम आपको सीए अपॉइंट करें, हमारे कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के सबसे बड़े कंपनी का तुमको ऑडिटर अपॉइंट करते। एंड यू आर लाइक वाओ,
क्या सपना है, इमेजिन भी करते तो वाओ हंसी आ जाती चेहरे पे। तो तुमको बोलते यार तुम हमारा ऑडिट करो, और तुम बोलते ऑब्वियसली रिलायंस का ऑडिट कोई पागल ही छोड़ेगा, तो तुम लोगे ऑडिट। लेकिन तुमको लगता है तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तुम एक जस्ट नए नए बने हुए सीए हो, और वो इतना बड़ा कंपनी, इंडिया का नंबर वन एंड वर्ल्ड में ऑलमोस्ट टॉप 50 में कंपनीज आता है, तो तुमको लगता है तुम यहाँ पे पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हो, या वो तुमको दबा सकते हैं? तो आंसर है ऑफ कोर्स दबा सकते हैं, बिकॉज वी आर टू स्मॉल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन वही रिलायंस का अगर बिग फोर में से कोई ऑडिट करे, बिग फोर मतलब टॉप फोर ऑडिट फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, डेलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई और पीडब्ल्यूसी, तो उसमें से अगर डेलॉयट है उनका ऑडिटर, तो क्या सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज उनको भी वो ट्रीटमेंट देगा डेलॉयट को जो वो तुमको देगा? नहीं, वो डेलॉयट के इसमें, हमको मालूम है डेलॉयट उनसे नहीं डरेगा, क्योंकि डेलॉयट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कंपनी, अ वेरी बिग फर्म आई मीन। तो इन दैट सिनेरियो हम इसके केस में एज अ इंडिविजुअल नए सीए कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो सकते, दबाव में आ सकते, तो फिर हमारे एग्जामिनेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा ओपिनियन नहीं, ये किसी और का ओपिनियन है जो तुमसे बुलवाया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं ऑडिटिंग शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के दबाव में नहीं, किसके इन्फ्लुएंस में नहीं, टोटली टोटली अपना खुद का फ्री ओपिनियन। ओके, फ्रीडम जो बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट वर्ड बोलते ही पहले आता है दिमाग में फ्रीडम। सो वी आर फ्री, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग, एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग करना। और किस चीज का चेकिंग करना है भाई तुमको? तुमको चेक करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, करेक्ट ऑनो, ऑल योर बिल्स, वाउचर्स, एविडेंसेस आते हैं, सब चीजों का जो भी रहेगा वो तुमको चेकिंग करना है। ओके, सो यू आर गोइंग टू डू इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फो। बट किसका फाइनेंशियल इन्फो? एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एचयूएफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वो प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड है, नॉर्मल कंपनी, प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इट इज अ सेक्शन 25 कंपनी। कोई भी हो, डज नॉट मैटर, प्रॉफिट ओरिएंटेड का एग्जाम्पल विल बी कंपनी, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड का एग्जाम्पल विल बी ट्रस्ट। तो तुम कंपनी का ऑडिट करो, तुम पार्टनरशिप का ऑडिट करो, या तुम ट्रस्ट का ऑडिट करो, फर्क नहीं पड़ता है। इरिस्पेक्टिव, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका साइज क्या है और उसका लीगल फॉर्म क्या है। तो साइज के हिसाब से छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लीगल फॉर्म के हिसाब से कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी लीगल फॉर्म हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, बिग स्मॉल, लीगल फॉर्म, डज नॉट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। अब तो समझा मुझे कि मैं इंडिपेंडेंट चेक करता हूं किसका? फाइनेंशियल इन्फो का। किनका फाइनेंशियल इन्फो? जो एंटिटी है। बट ये सब करके मुझे करना क्या है? सिर्फ चेक करके क्या करना है? उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव अ ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग का जो एंड रिजल्ट है वो है अपना ओपिनियन सामने रखना। हम जो इस कंपनी के बारे में सोचते हैं या इन फाइनेंशियल्स को लेकर हमारी सोच क्या है, वो हम लोग रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन। तो ओपिनियन जो है वो यहाँ पे आता है। ओके, ऑडिटर हमेशा अपना ओपिनियन देता है। हम कभी नहीं बोल सकते कि सही है गलत, मतलब ट्रू एंड राइट एंड रॉन्ग, ये चीज नहीं होता ऑडिट में। इट इज ऑलवेज ट्रू एंड फेयर, क्योंकि कोई चीज हो सकता है जो मेरे हिसाब से राइट है लेकिन आपके हिसाब से रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? बट इन द गिवन सिनेरियो वो बिल्कुल सही है। लाइक मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सा मेथड बेटर है इन्वेंट्री के लिए? वेटेड एवरेज मेथड बेटर है या फिर फीफो मेथड, और या फिर लीफो? तुम बोलोगे लीफो तो बात ही मत करो, लीफो तो अलाउड ही नहीं है S2 में। चलो डन, बचा फीफो एंड वेटेड एवरेज, कौन सा बेटर मेथड है? तुम बोलते वेटेड एवरेज, मैं बोलती हूँ फीफो।
अब हो सकता है हम दोनों सही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, राइट, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि इसे कौन सा बेटर रहेगा. हम दोनों का आंसर सही है, दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन वो बिजनेस में, वो सिचुएशन में कौन सा मेथड बेटर रहेगा उसी के लिए तो जजमेंट लगता है, और उसी के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन देता है. ठीक है, तो मैंने कहा करेक्ट और रॉन्ग नहीं होता है, ट्रू एंड फेयर होता है, कि ट्रू है भाई ये जो है फीफो के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशंस किया है, और फेयर है कि ये बिजनेस में अप्रोप्रिएट है अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ पे फीफो चल सकता है. तो ये बेसिस पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है, ओपिनियन कि भाई जो भी है वो मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है, ट्रू सही है जो है वही बता रहे हो, और फेयर जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली बता रहे हो. ठीक है, तो मैं बता रही हूँ इन्वेंट्री है तो ये ट्रू है, लेकिन उसका अमाउंट जो कैलकुलेशन है वो सही है क्या, नहीं वो फेयर है, और मुझे दोनों बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या नहीं फाइनेंशियल्स, यही ओपिनियन मुझे देना है. तो ऑडिटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज द फर्स्ट मेन बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट जिसका हमने अभी देखा. ठीक है, सो अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन, हम लोग ट्राई करेंगे इसको बोलने का. देखो मैं जो बोलती हूँ वो तुमको मेरे साथ बोलना है, मैं तुम्हें नहीं देख सकती लेकिन तुम तो मुझे देख रहे हो ना, हाँ, तो ऐसा ऑफ कोर्स तुम मुझे सुन भी रहे हो, मैं तुमको नहीं सुन सकती लेकिन ये भरोसे पे कि तुम भी मेरे साथ आंसर करोगे तभी तुम क्लास को पूरी तरह से उसका बेनिफिट ले पाओगे. तो तुम भी बोलो अभी व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का डेफिनेशन हम ट्राई करेंगे एक साथ. ऑडिटिंग इज एन डैश एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हु, ऑफ एनी एंटिटी, विच एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन इट इज डन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. तो इसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे, यही अपना मेन मकसद है ऑडिट का. तो इस हिसाब से हमको डेफिनेशन मिलता है अपने ऑडिटिंग का, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन. लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना, ये थोड़ा नैरो माइंडेड डेफिनेशन है, बहुत ही ऐसा इतना ही देखता है डेफिनेशन. ऑडिटिंग को सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट के इसमें लाके रख दिया है डेफिनेशन ने. हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट के केस में यही डेफिनेशन अपना मेन डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन अच्छा खासा है, इजी है, बच्चों को पसंद भी आता है क्योंकि वो बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा नैरो है डेफिनेशन. इसकी वजह से एक और डेफिनेशन आया है विच इज गिवन बाय आईसीआई अंडर द जनरल गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल में समझो कि एक और डेफिनेशन है ऑडिटिंग का, लेकिन ये जो डेफिनेशन है थोड़ा एडवांस डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग. तो अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल आता है डिफाइन ऑडिट एंड यू नो गिव द मीनिंग एंड ऑल, तो तुम सिर्फ फर्स्ट वाला डेफिनेशन भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन सेकंड वाला जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से वो थोड़ा बेटर है. तो या तो तुम ओनली फर्स्ट लिखो या तो तुम दोनों लिखो, लेकिन सिर्फ सेकंड मत लिखना क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा वो फर्स्ट वाले डेफिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है. तो ये मेरा मेन डेफिनेशन है. अब मैं सेकंड डेफिनेशन पे आती हूँ, व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन. ठीक है, तो यहां से अपना लिखना चालू होता है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू माय एडवांस डेफिनेशन. सो ऑडिटिंग इज व्हाट, अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ. तो तुम देखोगे मेरे फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने सिर्फ बोला था ऑडिटिंग इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, इंडिपेंडेंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो तभी तुम्हारा ओपिनियन का कोई वैल्यू है. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, ये तो था ही अपना, बट सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली काम करना चाहिए ना, सिस्टमैटिकली प्रॉपरली लॉजिकली काम करना चाहिए. तो इट इज नॉट जस्ट, अभी मैं तुमको सिंपल एग्जाम्पल, तुमको बोला ऑडिट करो, जाके चेक करो इनके बैलेंस शीट पीएनएल सही है या नहीं, तो तुम सीधा जाके बैलेंस शीट पे टूट पड़ोगे क्या? नहीं, तुम पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे, एंट्रीज देखोगे, प्रॉपरली किया है क्या, ट्रायल बैलेंस सही है क्या, फिर बैलेंस शीट पीएनएल पे आओगे ना, तो सिस्टमैटिकली तुम वहां तक पहुंचोगे. इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक, एक लॉजिकल
सीक्वेंस में काम करोगे। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। अब इन्होंने जब बोला है, इन्होंने बोला है पांच चीजें जिसको हम लोग याद करेंगे ऑफ ड्रॉप्स। मतलब ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट चेकिंग, वहां पे हमको बोला था फाइनेंशियल इन्फो, यहाँ पे हमको बोला है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। अब डेटा कैन बी फाइनेंशियल डेटा, डेटा कैन बी इवन नॉन फाइनेंशियल, थोड़ा अदर देन दैट ऑल्सो कैन बी देयर। इट कैन बी योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना, अकाउंटिंग डेटा रादर, एक्सेट्रा, जो भी है डेटा चेक कर रहे हो तुम। आर में तुम चेक कर रहे हो रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स में तो जनरली आई विल बी सीइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली, अकाउंटिंग बुक्स। हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत इवन कॉस्ट रिकॉर्ड्स यूज करना पड़े, है ना। तो एनी रिकॉर्ड्स जो कि कंपनी मेंटेन कर रहा है या कोई भी मेंटेन कर रहा है, तो तुम वो भी चेक कर रहे हो इसमें। सो इट वुड बी अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, या फिर तुम्हारे ऑपरेशंस जो है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है तुम्हारे। क्या बिजनेस ऑपरेशंस है भाई? तुमको परचेसेस भी चेक करना है, तुमको सेल्स भी चेक करना है, तुमको प्रोडक्शन भी चेक करना है, तुमको डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी चेक करना है। तो बिजनेस ऑपरेशन तो चेक करना है ना। मैं कैसे बता दूं फाइनेंशियल्स अगर ट्रू एंड फेयर है या नहीं, अगर मैं परचेसेस नहीं चेक करूँ या सेल्स नहीं चेक करूँ। आई हैव टू चेक ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस, तो ये भी तुम चेक करो। ओके, या फिर तुम परफॉर्मेंसेस चेक कर रहे हो, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनके एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, व्हाट इज देयर आउटपुट, तो तुम परफॉर्मेंसेस भी चेक करते हो। एनी ऑफ दिस यू कैन चेक, ऑल ऑफ दिस यू कैन चेक, जो भी तुमको जरूरी है तुम्हारे ओपिनियन के लिए ये चेक करो तुम। और लास्ट में ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स तो चेक करोगे ही ना, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफ एस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स एंड योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम इसको अलग से सीखने वाले, सो जस्ट होल्ड ऑन। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। फाइव थिंग्स: डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस एंड स्टेटमेंट्स। इस करके फाइव थिंग्स वी वुड बी चेकिंग। समझा तुमको ये डेफिनेशन एडवांस क्यों है? पहले वाला डेफिनेशन में सिर्फ फाइनेंशियल इन्फो बोल के छोड़ दिया, इसमें दे हैव इलैबोरेटेड, थोड़ा ज्यादा बोला है। तो ड्रॉप्स, और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फॉर अ स्टेटेड पर्पस। फॉर अ स्टेटेड पर्पस मतलब जो हम लोगों को पहले बोला गया था। ओके, लाइक इट कैन बी गिविंग एन ओपिनियन, ये तुम्हारा पर्पस हो सकता है वो ऑडिट करने का, या फिर इट कुड बी सम अदर पर्पस ऑल्सो। लाइक अदर एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बोलूँ, इन फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में कभी सुना है तुमने? फॉरेंसिक ऑडिट मतलब अगर किसी किसी कंपनी में या किसी एंटिटी में फ्रॉड हुआ है, तो फॉरेंसिक ऑडिटर आके उस फ्रॉड की ना टेस्टिंग करता है, जांच करता है कि कहीं फ्रॉड हुआ है, किसने किया है फ्रॉड, क्या कैसे हुआ है फ्रॉड। तो यहाँ पे आके मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, शायद मुझे लगता है फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे मेरा काम ही है वो फ्रॉड के बारे में बताना। तो यहाँ पे इन फॉरेंसिक ऑडिट में क्या करूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपिनियन। वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ ऑडिट आई एम डूइंग। लाइक मेरा जो पहला डेफिनेशन है उसने ऑडिट को सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट के नजर से देखा है, बट ऑडिटिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अभी मैंने फॉरेंसिक ऑडिट आपको बताया, और एक एग्जाम्पल बोलो ऑडिट का, तो वी कैन हैव समथिंग लाइक एनर्जी ऑडिट। तुमको पता है ऐसा भी एक ऑडिट होता है एनर्जी, जिसमें बताया जाता है कि तुमको एज अ कंपनी तुम कहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हो, लाइक लाइट, सोलर, विंड, कहाँ पे तुम्हारा यूज हो रहा है, कहाँ पे तुम वेस्ट कर रहे हो, ये भी ऑडिट होता है। एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, जिसमें एनवायरमेंट के बारे में तुम कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उसका भी ऑडिट होता है। तो इस सिनेरियो में मेरा पर्पस ही अलग है ना ऑडिट का। इनफैक्ट तुमको एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर मैं दू, तो देर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑडिट।
स्ट्रक्चरल ऑडिट का मैं तुमको बोलती हूँ क्या होता है। कभी तुमने सुना है कि कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया है, ब्रिज कोलैप्स हो गया है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट देखता है कि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करके कि ये बिल्डिंग या ये फ्लाईओवर क्यों कोलैप्स हुआ, क्या रीजन था, क्या फॉल्टी मटेरियल प्रॉब्लम था या इशू था या क्या। तो दे कैन कैच होल्ड ऑफ वो लोग जिन्होंने जिनको वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, जिनकी वजह से हुआ है। तो इस केस में जो ऑडिट होता है ये होता है स्ट्रक्चरल ऑडिट। इसका एक और एग्जांपल मैं तुमको दूंगी। कुछ साल पहले पुणे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जर्मन बेकरी में, शायद तुमने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो वो जो जर्मन बेकरी था उसका एक ऐसा एक शॉप था, दैट बेकरी, ओके, दिस वॉज लाइक द शॉप पार्ट। शॉप में लोग बैठते थे और यहाँ पे बाहर भी उनके बैठने के कुछ टेबल्स थे, ठीक है। तो जब वो ये हुआ था, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो बॉम्ब समवेयर वॉज प्लांटेड आउटसाइड, ठीक है। तो फिर जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी बैड सैड इंसिडेंट जो हुआ था, लेकिन उसके बाद जर्मन बेकरी ने बोला कि हमको थोड़ा कॉम्पनसेशन चाहिए इस चीज़ के लिए। ऑब्वियसली उनका कितना लॉस हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आते हो के इन दैट जर्मन बेकरी। तो जब उनका एक ऑडिट किया गया कि इनका क्या लॉस हुआ, कैसे हुआ था ये बॉम्ब ब्लास्ट, कहाँ पे हुआ था, तो इन दैट सिनेरियो ऐसे पता चला था कि ये जो है ना, जो शॉप है जर्मन बेकरी का, जो मेन शॉप है, ये ऑथराइज था। लेकिन आगे जो एक्सटेंड किया था, कभी कभी होता है दुकान के आगे अपनी जगह होती, तो हम लोग इसको, अपने इंडिया में तो चलता है ना ऐसा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर बना के उधर लोगों को बिठा देते, तो उन्होंने वैसा किया था। तो फिर जब वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है और वो अनऑथराइज पार्ट में अगर बॉम्ब रखा है और उसके बाद तुम कॉम्पनसेशन मांगते हो वो चीज़ का, तो हाउ डू यू थिंक गवर्नमेंट विल अलाउ यू दैट कॉम्पनसेशन? नहीं तो वो तो अनऑथराइज चीज़ को बढ़ावा दे रहे। इसके लिए जब स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ और पता चला कि नहीं, ये तो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, इसको नहीं मिल सकता, ये पॉइंट फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, इसमें पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो यही ये डेफिनेशन की ब्यूटी है। ये डेफिनेशन कुछ बोलता नहीं कि सिर्फ ओपिनियन दो, ये डेफिनेशन बोलता है कोई भी पर्पस हो सकता है। बात समझा? ओके, अब ये डेफिनेशन यहाँ पे रुकता नहीं, ये डेफिनेशन बोलता है ठीक है, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ड्रॉप्स फॉर अ पर्पस। फिर वो बोलता है इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन व्हाट डज ऑडिटर डू, ओके लेट्स सी, इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन। आई होप तुम मेरे साथ लिख रहे हो तुम्हारे नोटबुक में, ठीक है, जो भी मैं बोलती हूँ वो लिखा करो, जो मैं लिखती हूँ वो तो लिखना ही है तुमको, जो एग्जाम्पल्स बोलती हूँ वो भी लिखा करो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट में, तुमको याद रखने को ईजी होगा। कोई चीज़ का मीनिंग बोलती हूँ, वर्ड का मीनिंग, तो वो लिखा करो, ठीक है। नोटबुक्स में ये जो बड़े बड़े चीज़ें मैं देती हूँ नोटबुक्स में लिखो, और जो छोटे मोटे पॉइंट्स रहते हैं वो टेक्स्ट बुक में लिखो। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन, इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन, ऑडिटर व्हाट डज ही डू, रेकग्नाइजेस द प्रोपोजिशंस कलेक्ट्स एविडेंस, पहले लिख लो, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, इवैल्यूएट्स देम एंड कम्युनिकेट्स हिज जजमेंट थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। देखो बड़ा डेफिनेशन है, मालूम भी चाहिए, तो उसको हम अगर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको लर्न करना इजी होगा, और लॉजिकल सीक्वेंस में चलेंगे तो उसको लर्न कर पाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है, समझ के लॉजिकल सीक्वेंस आ गया तो फिर अपने आप ही वो याद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है ऑडिटर, कोई भी सिचुएशन में ही अंडरस्टैंड्स रेकग्नाइजेस प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस का मीनिंग है ही रेकग्नाइजेस द फैक्ट्स, द स्टेटमेंट्स, द सर्कमस्टेंसेस, कि भाई मैं एग्जैक्टली ऑडिट में मुझे करना क्या है, व्हाट इज द एम एज ऑडिटर, क्या है ये प्रोपोजिशंस। मुझे फॉरेंसिक ऑडिट में फ्रॉड फाइंड आउट करना है, किसने फ्रॉड किया वो फाइंड आउट करना है, समझो तो सही तुमको करना क्या है। रेकग्नाइजेस प्रोपोजिशन
कलेक्ट्स द एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ कलेक्ट करना, कलेक्ट द प्रूफ, हर चीज का सबूत होना चाहिए, राइट? बिना सबूत के हम कैसे यकीन कर ले? तो हमको जो एविडेंस चाहिए वो हमको सबूत चाहिए, तो वो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और वो एविडेंस के बेसिस को हम, वो एविडेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट मतलब चेक करते हैं एविडेंस को, चेक द एविडेंसेस। ओके, तो वेरी एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से तुम्हारे जब तुम चेकिंग कर रहे हो, तुमको एक बिल मिलता है, बिल, खर्चे का बिल, कोई एक्सपेंस का बिल मिलता है। वो बिल तुम्हारे क्लाइंट के नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे, तो तुम क्या वो एक्सेप्ट करोगे क्या वो क्लाइंट के बिजनेस के एक्सपेंडिचर में? तुम बोलोगे नहीं, एविडेंस तो मिला है लेकिन ये हमारे क्लाइंट के नाम पे नहीं है बिल, ये किसी और का बिल ही इधर डाल रहा है जबरदस्ती का, तो तुम उसको पकड़ोगे क्योंकि तुम ये इवैल्यूएट कर रहे हो एविडेंस को, तुम चेक कर रहे हो एविडेंस को, और वो एविडेंस को चेक करके तुम अपना फिर एक जजमेंट बनाते हो कि तुमको क्या लगता है। देखो, हम ऑडिटर हमेशा लाइक ऐसे अपना ओपिनियन रखते हैं, हम अपना जजमेंट कि हमको ये लगता है ऐसे हुआ रहेगा, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हम आपको 100% यही हुआ ऐसा बोले, हम अपने हिसाब से जजमेंट बनाते हैं एविडेंसेस के बेसिस पे। तो हमको वो कम्युनिकेट करना है अपना जजमेंट, और कैसे कम्युनिकेट करना है? ओरली तो बोलेंगे नहीं, भाई मेरे को ऐसा लगता है, ये तो नहीं हो सकता ना। यू विल कम्युनिकेट थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ये अपना काम है, रिपोर्ट देना अपना काम है, रिपोर्ट में वो सब कुछ है जो मुझे ऑडिटर को बताना है तुमको, तो ये होता है ऑडिटर का काम। जो ये डेफिनेशन में तुम्हारा काम कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है वो तक बोला हुआ है। समझ में आया कि पहले आए रिकग्नाइज प्रोपोजिशंस, फिर मैं उसके बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको इवैल्यूएट चेक करता हूँ, फिर मैं अपना जजमेंट बना के उसको ऑडिट रिपोर्ट में पेश करता हूँ। ये मेरा ऑडिटर का काम है जो मैं तुमको यहाँ पे पूरी तरह से डेफिनेशन में समझा रही हूँ, ठीक है? तो अब ये डेफिनेशन तुम एक बार फिर से देखो और ट्राई करो कि ये वर्ड्स को तुम पिकअप करो और हम वो बोलेंगे। जस्ट आई गिव यू अ मिनट कि तुम उसको ठीक से देख सको। सिर्फ एक छोटा सा मैं चेंज कर रही हूं, फॉर्म्स इज जजमेंट कर लो इसको एंड कम्युनिकेट्स थ्रू ऑडिट रिपोर्ट, बस इतना कर दो। ओके, सो हम लोग ट्राई करें इसको अभी बोलना, चलो लेट्स ट्राई। फर्स्ट डेफिनेशन पहले बोलेंगे फिर ये ट्राई करेंगे, ठीक है? अब ये करते करते वो भूलना नहीं चाहिए, तो चलो पहला डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, वेन इट इज डन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हो गया, अब ये ट्राई करते हैं। बड़ा डेफिनेशन, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप्स डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस एंड स्टेटमेंट्स, ड्रॉप्स फॉर अ स्टेटेड पर्पज, पर्पज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ओपिनियन, इट कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। नाउ इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन वॉट आई डू, फर्स्ट आई रिकग्नाइज द प्रोपोजिशंस, आई कलेक्ट द एविडेंसेस, आई इवैल्यूएट देम, आई फॉर्म माई जजमेंट एंड आई कम्युनिकेट थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। गॉट ऑल द वर्ड्स क्लियरली? सो दैट्स हाउ इट इज। सो नाउ दिस इज माई सेकेंड डेफिनेशन। नाउ एज आई सी,
ये दोनों डेफिनेशंस में कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकलते हैं ऑडिट के. ओके देखो ये डेफिनेशन है अपना सेकंड डेफिनेशन एडवांस डेफिनेशन बट दिस इज द मेन डेफिनेशन. ओके द इजी वन क्योंकि तुम कितने भी टाइप ऑफ ऑडिट कर लो या कुछ भी बोल लो मेन ऑडिट तो हमेशा फाइनेंशियल ऑडिट ही रहता है. ओके सो लेट्स सी सेकंड वाला डेफिनेशन फिर से एक बार यहाँ पे नोट्स में भी मार्क कर दो तुम. ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा ड्रॉप्स याद है ना डेटा रिकॉर्ड्स ऑपरेशंस परफॉर्मेंसेस. Of an enterprise for a stated purpose, we recognize proposition, we collect evidence, we evaluate it, we form our judgment, and we communicate through audit report. All those things we have learned. Now, as we saw, there are three common elements here. Okay. The above definition has got three important elements. Let's see the three important elements. The three important elements are called IAF. दोनों में कॉमन है ये पॉइंट्स. सबसे पहला इंडिपेंडेंस. विदाउट इंडिपेंडेंस तो भूल ही जाओ तुम ऑडिट. इनफैक्ट ऑडिटर को आजकल हम लोग बोलते इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ठीक है सिर्फ ऑडिटर नहीं बोलते इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्योंकि उसके बिना उसका ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है. तो इंडिपेंडेंस मीन्स ऑडिटर शुड गिव एन ओपिनियन एंड दिस ओपिनियन शुड हैव टू हैव अथॉरिटी. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट विच में डिट्रैक्ट इज ऑब्जेक्टिविटी. मतलब उसके ऑब्जेक्टिविटी उसके इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई ऑडिटर में नॉट बी इंडिपेंडेंट. ओके इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न इंडिपेंडेंस लेटर. तो अभी के लिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑडिट इंडिपेंडेंस. दूसरा आई गिव माई ओपिनियन तो ऑडिटर्स ओपिनियन. ओके ऑन द फाइनेंशियल्स विच आर एग्जामिन्ड बाई हिम. आई ऑलवेज गिव माई ओपिनियन आई डोंट गिव फैक्ट. फैक्ट और ओपिनियन में क्या फर्क होता है. फैक्ट का मतलब ये चीज है और ओपिनियन का मतलब ये मेरे हिसाब से ऐसा है. मीन्स व्हाट. ओके तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसका तो फिर लेट्स से ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले लिया था अबाउट फीफो एंड वेटेड एवरेज. ये वाला जो एग्जांपल था राइट तो ये है कि बाबा दे आर यूजिंग फीफो. दिस इज अ फैक्ट कि ये फैक्ट है ये फीफो ही यूज करते हैं. लेकिन वो सही है या नहीं वो मेरे हिसाब से ओपिनियन रहता है कि यस फीफो इन दिस सिनेरियो ठीक है. तो वो मेरा ओपिनियन हुआ. मेरा ओपिनियन तुम्हारा ओपिनियन शायद अलग हो सकता है बट फैक्ट जो है वो चेंज नहीं होता है. फैक्ट वही है कि वो फीफो यूज कर रहा है राइट. एक सिंपल और एग्जाम्पल हूँ तो ये कलर ब्लैक है ये एक फैक्ट है. इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है ये फैक्ट ही है. ठीक है तुमको हो सकता है कि ये अलग लगे कलर तुमको रेड तो नहीं दिखेगा तुमको ये ब्लैक ही दिखेगा. आई मीन टू से ये एक फैक्ट है जो चीज बिल्कुल है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. लेकिन इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो हम लोग यहाँ पे ऑडिट में देते. ओके तो फैक्ट है कि इनका प्रॉफिट ये है ये इन्होंने बोला है हमको नहीं पता बट मेरे ओपिनियन से सही बता रहे. ओके ठीक है मुझे लगता है देन दैट इज माई ओपिनियन. ऑडिटर हमेशा ओपिनियन देता है क्योंकि ऑडिटर कैन नॉट गिव फैक्ट्स. वो उन हमारे बनाए हुए फाइनेंशियल्स नहीं होते वो मैनेजमेंट ने बनाया होता. तो हम कैसे इसको बोलते यकीनन कि यही हुआ है. नो हम लोग बोलते हैं कि जो हमने देखा है सबूत और एविडेंस हमको लगता है ये हुआ रहेगा. तो दैट इज व्हाट ओपिनियन होता है. ओके सो ऑडिटर ऑलवेज गिव्स रिमेंबर हिज ओपिनियन. और थर्डली ओपिनियंस किसके ऊपर देते हैं हम लोग साइन किसके ऊपर करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करता है. दैट मींस आई एम गिविंग माय ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज माय आईएएफ. थ्री पॉइंट्स एलिमेंट्स ऑफ योर डेफिनेशंस. ऑडिट में एग्जैक्टली तीन कौन से पॉइंट्स होते हैं. इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर. ऑडिटर ओपिनियन देता है अपना नॉट फैक्ट. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट विल कम. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एसओपीएल विल कम. इन दैट नोट्स विल बी कमिंग. कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी कमिंग. एंड योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. क्योंकि इक्विटी के भी चेंजेस जो है वो भी
एफएस के पार्ट में है। तो ये जो मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में व्हाट ऑल कम्स, इसके लिए यू हैव टू कम थोड़ा सा डाउन इन माय पेज नंबर 3, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट। व्हाट ऑल कम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो यस, बैलेंस शीट, योर एसओपीएल। Balance sheet gives you the financial position. We know all these things. My P&L tells me the profit or loss during the year. My cash flow will tell me about the inflow, outflow. My operating, financing, investing activities may what all has happened. Then we have got notes to accounts. Notes to accounts सबसे बड़ा part होता है, जिसमें we have got pages and pages. हर एक के notes देने पड़ते हैं, क्या policies follow किए, सब कुछ बताना पड़ता है in my notes. तो notes to accounts is also a very important part of my financial statements. और फिर अभी जो नया आया है, that is statement of changes in equity. Equity मतलब basically your share capital and your reserves and surplus. तो ये reserves and surplus और ये कैपिटल में क्या क्या प्लस माइनस हुआ है वो हमको एसओसी में देना है। ओके, सो यू विल लर्न मोर अबाउट एसओसी इन योर सीए फाइनल, बट फिलहाल के लिए समझ के लो फाइव थिंग्स कम इन माय एफएस एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स एंड एसओसी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो चलो नेक्स्ट आता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन यूज करता है, हम किसके लिए ऑडिट करते हैं? भाई हम तो ऑडिट करते हैं फॉर आर ओनर्स, जो ओनर्स हमको अपॉइंट करते हुए वर अपॉइंट अस फॉर डूइंग द ऑडिट, हम उनके लिए ऑडिट करते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली देखा तो बाकी लोग भी तो यूज करते ना। जब अभी हम लोग ने कहा था कि वी आर गोइंग टू सी सम रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज, मतलब हम भी तो एफएस यूज करें फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल्स यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं ऑडिटेड रहने से हमको वो फाइनेंशियल्स पे ज्यादा भरोसा होता है। मैं तुमको एक सिंपल सा पॉइंट पूछती हूँ, अगर तुम्हारे पास बैलेंस शीट आया है कंपनी का, ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका टर्नओवर है, बिलियंस ऑफ रुपीज, क्रोर्स ऑफ रुपीज उसका टर्नओवर है, प्रॉफिट उसका बहुत है, राइट? और दूसरा और एक आया है बैलेंस शीट, लेकिन ये बैलेंस शीट हैज बीन साइन बाय अ सी, तो तुम किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे? ऑब्वियसली आग बंद करके जिस सीए ने साइन किया है वो बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, राइट? तो ये बैलेंस शीट जो एक साइंड है बाय अ सीए, जो कि चेक्ड है बाय द सीए, सीए ऐसे ही साइन नहीं करता है, पूरा चेकिंग करके, पूरा काम करके, पूरा ऑडिट करके, सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करके, फिर वो बोलता है भाई मेरे ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो इसके ऊपर तुम्हारा एज अ पर्सन डेफिनेटली मेरा जो फेथ है ये फाइनेंशियल्स में बढ़ता है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये फाइनेंशियल्स में बढ़ता है, मेरा जो रिलायंस है, जितना मैं इस पे रिलाय कर सकता हूँ, मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो ये बैलेंस शीट में बढ़ता है। तो अगर कोई चीज इसमें बढ़ता है, तो इन अदर वर्ड्स मैं बोलूँ तो तुम्हारा जो अश्योरेंस है वो इसमें आता है, तुमको और कॉन्फिडेंस आता है ये बैलेंस शीट में, बिकॉज ये सीए ने किया हुआ है साइन। करोड़ों का टर्नओवर दिखा लो, हजारों का, लाखों का प्रॉफिट दिखा लो, लेकिन जब तक सीए का साइन नहीं है ना, जीरो है वो, और ये सीए का साइन लगता है। कोई भी एरा गैरा नथु खैरा नहीं चलेगा हमको, हमको एक सीए का प्रोफेशनल का प्रॉपर साइन चाहिए इस पे, राइट? तो इसके लिए अपना अश्योरेंस, ये सब्जेक्ट का नाम क्या है तुम्हारा? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ऑडिटिंग तो हम समझ गए भाई, What is assurance? Assurance is this. क्योंकि sign of a CA improves the confidence of the users of the FS. कौन है ये users of the FS? Let us see. सबसे पहले users of the FS will be obviously the owners of the company, the management of the company. वो भी तो है ही ना? So तुमने तुम्हारे accounts में सीखा, we have got internal users and we have got external users. Internal users कौन रहते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज जो काम करते, राइट? तो ओनर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उनको क्यों लगते हैं एफएस? देखने के लिए क्या डिसीशंस करना है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, किधर जा रहा है कंपनी, वो देखने के लिए लगता है, राइट? और लास्ट में दिखा है एम्प्लॉयज, ये भी तो अपने इंटरनल होते हैं, ये क्यों लगता है, इनको क्यों लगता है? इनको लगता है एम्प्लॉयज को भाई देखने के लिए कि हमको सैलरी बराबर से मिल रहा है क्या नहीं, राइट? कंपनी तो इतना करोड़ों कमा रहा है, हमको इतना सा सैलरी के नाम पे पीनट्स दे रहा है, हमको तो नहीं चलेगा। तो ये बार्गेन करने के लिए, बताने के लिए उनको भी एफएस लगता है ना कि देखो तुम्हारा प्रॉफिट, देखो ये।
तो ये होता है जो एम्प्लॉयज को काम में आता है। तो यूजर्स ऑफ एफएस में ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज ये इंटरनल पीपल होते हैं। एक्सटर्नल में कौन आता है? नाउ इन्वेस्टर है, जिस इन्वेस्टर को पैसा डालना है। ही इज थिंकिंग शुड आई पुट मनी और शुड आई नॉट पुट मनी। तो वो भी तो प्रॉफिट के लिए देखेगा ना फाइनेंशियल्स, कि डालू पैसा या नहीं डालू मेरा पैसा इसमें, या फिर बेचू शेयर्स को, रखू शेयर्स को, सेल करूँ, क्या करूँ। तो उसके लिए इन्वेस्टर भी यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब आता है अदर्स लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तुमने सुना रहेगा क्रेडिट रेटिंग के बारे में, लाइक क्रिसिल कंपनी एक है, राइट? यू माइट हैव हर्ड ऑफ इकरा। ये सारी जो कंपनीज होते हैं, ये कंपनीज को, दूसरे कंपनीज को वो क्रेडिट रेटिंग देते, ग्रेड्स देते। क्या ग्रेड्स देते हैं? भाई अगर तुम क्रेडिट वर्दी हो, तुम अपना लोन, तुम अपने लाइबिलिटीज, तुम अपने पेमेंट्स टाइम टू टाइम करते हो, तो तुम्हारा रेटिंग जो है ए रहता है, लाइक ए ग्रेड, एकदम अच्छा। ओके, एंड देन ऐसे ऐसे गो डाउन इन द ग्रेड बी सी, मतलब यू आर नॉट गुड इन योर पेमेंट्स, तुम ठीक से नहीं करते हो काम। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सबसे पहले तुम्हारे स्टेटमेंट्स ही देखता है ना, फाइनेंशियल्स, तो वही देखकर वो तुमको क्रेडिट रेटिंग देता है। तो उनके लिए भी एफएस इज नेसेसरी। फिर आते बैंक्स। बैंक्स क्यों? भाई तुम जाओ लोन लेने को ट्राई करो, बैंक सबसे पहले बोलेगा हमको चाहिए बैलेंस शीट, पीएनएल लास्ट 3 साल का चाहिए, वो भी सीए के साइन के साथ। उसके बेसिस पे वो तुमको लोन देंगे, नहीं तो कोई भी उठ के बोलेगा हमको लोन चाहिए, राइट? तो दैट विल ऑल्सो बी यूज बाय बैंक्स। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को देखना है कंपनी स्ट्रांग है, भाई पैसे तो मिलेंगे अपने, इसके लिए वो यूज करते हैं। अगर उनको दिखता है कि कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी के राह पे चल गया है, प्रॉब्लम्स में फंसने वाला है, तो वो जल्दी से पैसा निकालने को देखेंगे अपना। तो क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं फाइनेंशियल्स। फिर आते कस्टमर्स। कस्टमर्स क्यों यूज करते, राइट? तुम सोचो एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तुम गए हैं बाजार में एक फ्रिज लेने के लिए। एक साइड में है फ्रिज वर्लपूल कंपनी का, और एक साइड में है लाइक वर्लपूल कंपनी का लेट्स से 40,000 का फ्रिज है, और दूसरा है वो सेल्समैन बोलता है देखो 30,000 का नया कंपनी है, अच्छा कंपनी है, वो भी तुमको अच्छा सा वारंटी देगा, सब कुछ है, 30,000 में सिर्फ तुम ले लो ये। तुम सोचोगे ना एज अ कस्टमर कि वर्लपूल का नाम है, आई नो इतने सालों से है बिजनेस में, पता है कि एटलीस्ट ये 10 साल का अगर वारंटी दे रहे हो, 10 साल रहेगा मार्केट में, मुझे एक भरोसा बैठता है, करेक्ट हो ना? ऐसा नहीं कि मैं उसके फाइनेंशियल्स चेक कर दूँ, कभी कभी नाम ही काफी होता है। तो वो चीज़ के लिए भी हमको फाइनेंशियल्स लगते हैं। ओके, तो एज अ कस्टमर मैं सोचूंगा कि यार ये नए कंपनी में पैसे तो बचा लूंगी, लेकिन कल जाके कंपनी बंद हो गया तो मैं वो टूटा हुआ आधा अधूरा फ्रिज लेकर किधर घूमू। तो ये सोच के एज अ कस्टमर मैं वो वर्लपूल के फ्रिज के तरफ थोड़ा ज्यादा आई विल बी टिल्टेड। यही रीजन होता है, कस्टमर्स भी यूज करते टू सी कि बिजनेस क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इसका। गवर्नमेंट भी यूज करता है फाइनेंशियल्स, वे टैक्स कलेक्ट करना है तुम लोग से, निचोड़ निचोड़ के टैक्स निकालना है, देखेंगे ना फाइनेंशियल्स, उसके बिना कहाँ से निकलेगा टैक्स। इतना ही नहीं, इफ यू वॉन्ट हेल्प, एक कंपनी सिक हो गया है, सिक कंपनी है, तो सिक कंपनी को लगता है हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलेगा दिखाओ फाइनेंशियल साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंट कि तुम सच में सिक हो एंड यू नीड हेल्प, तुमको ग्रांट्स चाहिए, यू विल नीड सीए अगेन। तो ये सब को है ना फाइनेंशियल्स आर नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ देम, सब लोग यूज करते। देखो मैं एज अ सीए मैं इन सबको आंसरेबल नहीं हूँ, मुझे अपॉइंट किया ओनर्स ऑफ द कंपनी ने, तो शेयर होल्डर्स के लिए मैं आंसरेबल हूँ, बट ये सब लोग तो यूज करते हैं ना एफएस। तो अगर वो ऑडिटेड रहेंगे तो ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग मोर फेथ इन द एफएस, यही अपना पॉइंट है। और लास्ट में आते फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो तुमने सीएनबीसी चैनल पे देखा रहेगा, एक आता है लाइक यू नो एकदम एक एनालिस्ट और बोलता है कि यू शुड बाय द शेयर्स, यू शुड सेल इट, ये टारगेट है ये शेयर का, राइट? ये शेयर को इतने पे तुम बेच देना या वॉट एवर, या कंपनी के फाइनेंशियल्स क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के तुमको रिजल्ट्स के बारे में बोलता है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये एक बैंक में इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये सब जो एनालाइज करता है ना उसको भी तो फाइनेंशियल्स लगते हैं। तो ऑल दीज पीपल नीड द फाइनेंशियल्स। ओके, देखो वेरी इजी लेकिन इंपॉर्टेंट। सो हाउ विल यू रिमेंबर? ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स आ दे, तो इसको हम रिमेंबर करेंगे, ओसीसी सीबीआई गेम, ऐसे मेरे 10 पॉइंट्स है, ओसीसी सीबीआई गेम, ये तुम्हारा निमोनिक है ये 10 पॉइंट्स को याद करने के लिए। कम ऑन लेट्स ट्राई। ओ कौन रहेंगे सबसे पहले, कौन आते हैं? ओनर्स।
उसके बाद सी सी सी, तीन सीज है, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फिर बी आता है उसके बाद बैंक्स, आई इज इन्वेस्टर्स, शुड आई कीप द शेयर, सेल द शेयर, वट एवर। जी आता है गवर्नमेंट, ए आर द एनालिस्ट, द फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं। एम इज द मैनेजमेंट हु आर इन्वॉल्व, राइट, मैनेजमेंट ऑल्सो नीड फाइनेंशियल्स। और ई है, वट वॉज दैट ई, एम्प्लॉइज। सो ये अपने 10 लोग हैं जो लोग ये फाइनेंशियल्स यूज करते हैं, यूजर्स ऑफ एफ एस, ओ एफ, ओ सी सी, सी बी आई, गेम, ये अपने यूजर्स है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, वी सॉ द टू डेफिनेशंस, वी सॉ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं आई ए एफ के, 3 पॉइंट्स। और फिर हम लोगों ने देखा कि एफ एस में 5 चीजें आती है, बैलेंस शीट, पी एन एल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स एंड लास्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और फिर हमने देखा कि ये 10 यूजर्स ऑफ एफ एस है। हम लोग जो एफ एस बनाते हैं, जो ऑडिट करते हैं, ये सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, ओके। एंड सो विद दिस नाउ आई कम टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे विच इज गोइंग टू बी, कम बैक टू माई पेज 1, थोड़ा सा बाकी था उधर वो एफ एस के, इसमें हम लोग आगे चले गए। Now we have to come back to our page number 1. Keep person doing the audit. Last paragraph of this page, okay? Person doing the audit must ensure that the FS should not be misleading. Misleading nahi hona chahiye FS. Logo ko रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, ओके, शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो जो ऑडिटर है, ही शुड सी दैट एफ एस इज नॉट मिसलीडिंग। और ये कैसे करेगा वो, हाउ विल ही सैटिस्फाई कि भाई एफ एस मिसलीडिंग नहीं है? तो उसके लिए हम लोग को ये कुछ पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। याद रखना, तुम साइन करते हो, ओपिनियन देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हवा में नहीं आते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के लिए सब स्टेप्स होते, दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग साइकिल। तुमने सुना है अकाउंटिंग साइकिल ना? अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विथ व्हाट, अ ट्रांजैक्शन, एंड इट एंड्स विथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां जब हम लोग ये आंसर लर्न करने को ट्राई करेंगे, हम इसको अकाउंटिंग साइकिल के एंगल से सोचेंगे। तो मतलब अब मैं अकाउंट्स का नॉलेज यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। आज मैंने कंपनी लॉ का थोड़ा नॉलेज यूज किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, फिर हम लोग ने यूजर्स ऑफ एफएस में थोड़ा अकाउंट्स का नॉलेज, और अकाउंटिंग साइकिल तो पूरा अकाउंट्स का नॉलेज। ऑडिटर को लगता है ये सब नॉलेज, तब तुम अच्छे ऑडिटर बनोगे, जब तुम सिर्फ टॉपिक्स को ही नहीं, तुम अपने सब्जेक्ट्स को भी लिंक कर पाए। तो नाउ ये अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है? अकाउंटिंग साइकिल में ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी हम ऑडिट करते हैं, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। जो भी है एफएस का ऑडिट करते, एफएस प्रॉपर इन्फो दे, एफएस मिसलीडिंग ना हो। उसके लिए ऑडिटर को क्या चेक करना होता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, चलो चलो लिखना शुरू करो। ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग टू एंश्योर एफ एस इज नॉट मिसलीडिंग, टू चेक दैट एफ एस इज नॉट मिसलीडिंग। तो ये सब चीजें हमको चेक करनी है, सो दैट हमको एफ एस सही है ये बता सके। तो यहां पे आई टोल्ड यू वी विल स्टार्ट विद द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शंस,
तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे होता है एंट्रीज पास, एंट्रीज आर पास्ट, ट्रांजैक्शंस एंट्रीज आर पास्ट, वेयर आर द एंट्रीज पास्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू नो ना, यू हैव गॉट योर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? प्रॉपर बुक्स में एंट्री भी पास करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रॉपर. आफ्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे तुम एंट्रीज करते हो, अकाउंट शुड बी प्रॉपरली ड्रॉन अप, अकाउंट्स ड्रॉन अप प्रॉपरली, अकाउंट्स ड्रॉन अप प्रॉपरली. लाइक योर ट्रायल बैलेंस होता है ना, एक बार सब एंट्रीज हो गए उसके बाद क्या करोगे तुम, उसका ट्रायल बैलेंस ही बनेगा. ट्रांजैक्शन हो गया, एंट्रीज हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए और अकाउंट्स ड्रॉन अप, फिर इसके बाद स्टेटमेंट्स बनेंगे विच शुड गिव क्लियर इंफॉर्मेशन. जो भी बताना है क्लियरली बताओ, ओके? इनफैक्ट जो भी तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, ओके, योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपरली प्रॉपरली क्लासिफाइड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड. तो ये तुमको चेक करना है कि अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है क्या, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपरली किया है या नहीं, ठीक है, वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है क्या, कहाँ पे दिखाया उसको, करंट में, नॉन करंट में, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स है या जो भी नोट्स है वो प्रॉपरली दिए है या नहीं दिए, ये तुमको देखना है वेदर इट्स प्रॉपरली डन. और लास्टली whether the financial statement show a true and fair view. The auditor has to go through all these steps to understand and give his opinion. देखो मैं तुमको फिर बता रही हूँ, मेरा काम है giving opinion on this. What is this? Financial statements. Opinion हम इसी पे देते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, बट वो ओपिनियन हम लोग देने के टाइम पे ये सब चेक करके, ये जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल चेक करेंगे, तभी तो हमको समझेगा ना कि बाबा एफएस प्रॉपर है या नहीं. मैंने बोला ना एफएस इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, तो सारे पहले के स्टेप सही रहेंगे तब तो एफएस सही रहेगा ना. तो ये सब चीजें चेक करेंगे तब हमको जाके एफएस के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू का स्टैंप लगेगा, थप्पा लगेगा उस पर, समझा? अब ट्रांजैक्शंस में हमको क्या चेक करना है, ट्रांजैक्शन हुआ है ठीक है, बट हमको क्या चेक करना है इसमें, कि ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय व्हाट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये जो मैं रेड में लिख रही हूं ये हमको चेक करना है. अब इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड अ लॉट इन ऑडिट, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. लेकिन आज क्योंकि ये पॉइंट आया है तो थोड़ा तो हमको समझना पड़ेगा. तो ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय SAAE, मींस सपोर्टेड बाय सफिशिएंट, मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस. एविडेंस क्या होता है, प्रूफ होता है. तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें सफिशिएंटली क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एविडेंस अवेलेबल है क्या, ठीक है. तो पहला चीज जो ऑडिटर चेक करेगा एंट्रीज में, ट्रांजैक्शंस में, कि इज द ट्रांजैक्शन और द एंट्री सपोर्टेड बाय व्हाट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अभी जो है वो वर्ड तुम ऐसे ही याद करो, ऐसे ही, इसको हम आगे पूरा डीप में समझेंगे, ठीक है. तो ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय SAAE. दूसरा होता है कि जो एंट्रीज पास होते हैं, एंट्री शुड बी पास प्रॉपरली एंड देयर शुड बी नो ओमिशंस ऑफ एंट्रीज
और देर शुड बी नो बोगस और फिक्टिशियस एंट्रीज। मतलब क्या, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? देखो, जब तुम एंट्रीज पास करते हो, सारे एंट्रीज पास होने चाहिए, कुछ एंट्रीज मिस नहीं होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। नहीं तो यहाँ पे पता चला कुछ सेल्स हो रहे हैं, कैश में हो रहे तो दिखाई नहीं रहे, तो दैट इज कॉल्ड ओमिशन। तो ऑब्वियसली एफएस प्रॉपर नहीं होगा। या फिर तुम बोगस एंट्रीज पास कर रहे हो, बैड डेट हुआ नहीं तो भी बैड डेट दिखा रहे हो, ठीक है, तो मतलब तुम बोगस एंट्रीज कर रहे हो। सेल्स हुआ नहीं तो भी तुम सेल्स बता रहे हो, तो ना एंट्री शुड बी ओमिटेड, ना ही एंट्री शुड बी एक्स्ट्रा नहीं पास करना चाहिए, कुछ बोगस या फिक्टिशियस या फॉल्स या फेक एंट्रीज पास मत करो, ये ऑडिटर चेक करेगा ये वाले फेस में। फिर प्रॉपर बुक्स में मेंटेन है और अकाउंट्स प्रॉपरली ड्रॉन अप है, यानी वो ऑडिटर चेक करेगा प्रॉपरली डन और नॉट। तो ये वाले पॉइंट में यू कैन इनफैक्ट मर्ज भी कर सकते हैं पॉइंट कि प्रॉपरली अकाउंट्स आर ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये प्रॉपरली हुआ या नहीं, यहाँ पे तुमको चेक करना है कि प्रॉपर बुक में गया है, प्रॉपरली वो ट्रायल बैलेंस और ये बना है या नहीं, इसमें देखना है तुमको। ओके, और फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, अकाउंट्स गिव क्लियर इंफॉर्मेशन। क्लियर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन देना है इट शुड बी गिवन प्रॉपरली। क्या इंफॉर्मेशन देना है तुमको? इज इट प्रॉपरली डन? वॉट क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, राइट, प्रेजेंटेड को डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं। इज इट प्रॉपरली डिस्क्राइब, प्रेजेंटेड? अब मालूम है तुमको कि लाइक मेरे जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो क्लासिफाइड के लिए आई ऑल्सो यूज अकाउंटेड वर्ड, प्रेजेंटेड के लिए डिस्क्राइब्ड वर्ड भी हो सकता है। एंड ये हम सब मुझे किसके हिसाब से देखना है? दिस ऑल आई हैव टू सी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वेजेस पे हुआ है फॉर इरेक्टिंग अ मशीन, वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग अ मशीन, तो मेरा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलता है कि भाई दिस शुड बी कैपिटलाइज, तुम उस मशीन में ऐड कर दो इसको, बराबर है? तो इज इट क्लासिफाइड, अकाउंटेड प्रॉपरली एज पर AS? ओके, फिर बोलता है कि पीपीए को तुम कहाँ दिखाओगे? नॉन करंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में दिखाओ। मतलब वो प्रेजेंटेड है क्या वहां पे प्रॉपरली, वो भी तुम चेक कर रहे हो एज पर स्टैंडर्ड्स। अब ये जो है नॉन करंट एसेट में दिखाओ, Schedule 3 भी बोलता है मुझे, तो आई एम डूइंग इट प्रॉपरली क्या? एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने हैं तुमको कि क्या एडिशंस हुए इन द एसेट, क्या डिलीशंस हुए एसेट में, करेक्ट, तुम कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हो, जो भी है उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है वो सब तुम कर रहे हो, यानी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी हमको ऑडिटर को दिखना है। तो देखो व्हाट आई एम सीइंग, जो रेड पार्ट है दिस इज द पार्ट विच आई एम चेकिंग। और लास्टली एफ एस गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ वॉट? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ टू थिंग्स, ओके, ऑफ योर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ऑफ योर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड ऑफ योर फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन मतलब योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मीन्स योर रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा, जो तुमने पूरा साल किया है बिजनेस उसमें क्या हुआ। मतलब यहाँ पे मैं बात करती हूँ SOPL की, स्टेटमेंट ऑफ PNL की, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की। सो दिस इज वॉट वी हैव हियर, ओके, यस, बात समझ में आया? यू आर गोइंग टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसके ऊपर ओपिनियन। क्या ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ वॉट? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ PNL एंड ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये सब ऑडिटर हैज टू चेक, तब जाके वो बोल सकेगा कि देर इज नो मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन, जो कुछ है सब कुछ सही बता रहे हो तुम। ओके, सो सी दीज पॉइंट्स अगेन। सिर्फ मैं एक छोटा सा वर्ड ऐड कर रही हूँ यहाँ पे
कि अकाउंट्स आर ड्रॉन अप एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन, ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। That's it. Clear information though, information may properly classified, presented, disclosed as per standards and true and fair view hai ya nahi. That's all. अब ये जो था लास्ट पॉइंट ये देख लो. सो ऑडिटर शुड चेक ऑल दीज थिंग्स, ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट अकाउंट्स आर ड्रॉन अप एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, सपोर्टेड बाय SAAE, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नो एंट्रीज ओमिटेड, नो एंट्रीज फिक्टिशियस. वी हैव ऑलरेडी नाउ दिस आंसर, आई वुड प्रेफर डूइंग इट इन दैट फॉर्म, क्योंकि वहां पे मुझे अकाउंटिंग साइकिल के साथ पॉइंट्स लिंक करने को आ रहे हैं, राइट. यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे, इंस्टीट्यूट ये आंसर को भी मार्क्स देगा, बट मुझे याद करने के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल लगता है, ठीक है. तो तुम वही पॉइंट्स को तुम वही सीक्वेंस में भी बोल सकते हो, सीक्वेंस ऊपर नीचे चलेगा एज लॉन्ग एज सारे पॉइंट्स हैं. देयर स्टेटमेंट्स गिव क्लियर इन्फो एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली क्लासिफाइड डिस्क्राइब डिस्क्लोज एज पर AS एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहा है ऑफ रिजल्ट्स मीन्स योर PNL एंड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मीन्स योर बैलेंस शीट. देखो पूरा अकाउंटिंग साइकिल जो है तुमको यहाँ पे काम में आता है. ओके, सो दिस इज हाउ ऑडिटर विल इंश्योर दैट द अकाउंट्स FS इज नॉट मिसलीडिंग. सो विद दिस टुडे वॉट एवर वी हैव लर्न, वॉट एवर वी हैड टू लर्न इज ओवर. क्विकली लेट अस रिवाइज द फाइव थिंग्स दैट वी लर्न टुडे. फर्स्ट थिंग, वॉट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फो ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form, when it is done to express an opinion. Second definition, it is a, okay, I will help you to just do this. 1 minute, huh? Just give me a minute. We'll just revise this through some presentation, so even faster it will go. So let's go for it now. So this is what all we have learned today: nature, objective and scope. First thing, what was the history of auditing? Let's start from there. So history of auditing, we said auditing is derived from which word? Latin word audire, which means to hear, correct? So that's what we learned. Then we had also seen the small background story of how auditing word came from that hear. उसमें हमने देखा था कि there used to be a king, उस टाइम पे पूरा किंगडम आता था वहाँ पे, फिर वहाँ पे एक बंदा होता था जो पूरा के पूरा ही इज़ टू रीड द अकाउंट्स लाउडली एंड टेल एवरीवन, एंड देयर इज़ टू बी वन पर्सन हु इज़ टू स्टैंड इन द कॉर्नर एंड लिसन टू एवरीथिंग, एंड दिस पर्सन हु इज़ टू स्टैंड इन द कॉर्नर वाज़ द वन हु बिकेम एंड हु वाज़ कॉल्ड एज द ऑडिटर, राइट. सो आफ्टर हियरिंग इज होल थिंग ही वुड से यस ऑल थिंग्स आर फाइन एंड ही वॉज द ऑडिटर. दिस इज द हिस्ट्री, ये तो कुमार बुक्स में नहीं है, दिस इज जस्ट नॉलेज सेक. So definition of auditing mein what we learned, auditing is an independent exam or examination of financial info of any entity, profit oriented ho nahi ho, irrespective of its size or legal form, when it is done to express an opinion. Remember, auditor gives an opinion, he does not give you fact, he gives only opinion. Okay, so opinion is what auditor gives, not the fact. Then advanced definition also we saw, auditing is a systematic and independent examination of drops. What are my drops? Data, records, operations, performances and statements, right? For what? A stated purpose. What does auditor do? He recognizes the
propositions. Then what he does, collects the evidence. Then he evaluates the evidence, evaluates evidence, and based on that forms his judgment. And what he does with his judgment, he communicates through an audit report. I hope this is clear. So this was my definition. Then we learned about the three important elements in audit. What were the three important? Independence, IAF were the points. Independence, auditor's opinion, and financial statements. Correct or no? What are financial statements? Section 2, subsection 40. Five things come there. Come on quickly. Balance sheet talking about your financial position. P&L talking about your results, operating results, the profit or loss. Cash flow statement talking about your inflow outflow of cash. Then we have got the notes to accounts, which is all the explanatory notes that you have. And lastly, I've got your SOCE, statement of changes in equity. This is what we have. Then going further, who are the users of FS? Come on, picture will come, you have to guess. Who is this? We have a technique also, remember, but still, let's try it. These are who? The owners and management. Money pouring in, who is he? Investor. And here to the answer is clear, bank. तो ये तीन लोग हैं, चार लोग, owners, management, investor, banks. उसके बाद कौन आता है? Who is giving money? Giving credit to us. And who are these? Shopping people. Customers. And last में कौन है ये? Workers, बेचारे employees, right? तो ये हो गए अपने three more. And last, this is obviously our government. Who is this? Mic leke, buy this, share going up, coming down. Analyst. And all these are my credit rating agencies. So these also use the financial statements. Okay. And last thing that we learned was all about your, the last thing, accounting cycle and all that we saw, that we just did it. So I hope that is clear. Transaction supported by SAE, entries properly passed, no omissions, no bogus entries, books of accounts maintained properly, accounts drawn as per books of accounts. और उसके बाद we had got information is clearly given in the statements, the information is properly classified, presented, disclosed as per your AS. और lastly, जो financial statements है, they show a true and fair view. What is true and fair? What are these terms? ये सब एक एक करके सीखना है, पूरा डीप में जाके पोस्टमार्टम करना है वर्ड्स का. बट हर एक चीज का एक एक टाइम आते जाएगा. आज हम लोगों का होमवर्क इतना ही है कि जितना भी हमने आज किया है, चार पांच कंसेप्ट्स, उसको अच्छे से कल पढ़ के आओ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, सी यू टुमारो, एंड कीप स्माइलिंग.